Hi everyone, welcome to the official channel of Pencil Academy. Deepa Vashisht here, and today's video is about how to fill the form of HP College Cadre exam step by step. Because हमारी पिछली videos में काफी students ने ये request की थी कि step by step हमें बता दे कि ये form कैसे fill करना है, तो आज की video उसी के बारे में है. देखो यहाँ पे आपको site दिख रही है hppsc.hp.government.gov.in. ये आपने सर्च करनी है. जैसे आप सर्च करोगे ये पेज ओपन होगा. स्क्रॉल डाउन करने पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा. अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सबसे पहले आप खुद को रजिस्टर करना होगा. तो जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं, बट हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे. न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेनी है क्या है. आफ्टर दैट ईमेल एड्रेस जो बिल्कुल वैलिड है, चल रहा है, जिसे आप यूज करते हैं वो आपने डालना है, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया. आफ्टर दैट आपको मोबाइल नंबर भी वही डालना है जो यूज में है, क्योंकि इसमें OTP आएगा. तो मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि फर्दर कोई एक सिक्योरिटी का क्वेश्चन रहता है. ये जनरली इसलिए रहता है कि हमारे पास कई बार अगर हम पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं या कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है, तो ये सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन वहाँ पूछा जाता है. तो दोनों में से कोई भी एक चूज कर लो और आंसर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो, ताकि वो दोबारा कभी ये क्वेश्चन सामने आए तो आप सेम आंसर करो. उसके बाद पासवर्ड के लिए देखो इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ था यहाँ पे कि आपने यहाँ पे डिजिट्स भी यूज करनी है, कोई सिंबल भी यूज करना है, और जो आपने फॉन्ट मतलब लेटर्स लिखने हैं उसमें एक मिनिमम कैपिटल होना ही चाहिए. जैसे अभी देखो इसमें मैंने बिल्कुल ऐसे सिंपल मतलब कुछ भी डाल दिया था, तो दोबारा जब मैं इसको कन्फर्म करूंगी तो कन्फर्म में मैंने कैपिटल लेटर यूज नहीं किया है, जिसकी वजह से ये इस वाले पासवर्ड को ना कैंसिल कर रहा है. ठीक है, तो मतलब क्या है कहने का कि पासवर्ड आपका ऐसा हो जिसमें डिजिट्स भी हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई नंबर भी हो, कोई सिंबल भी हो जैसे हैश का, एट द रेट, परसेंटेज, ऐसा कोई साइन भी हो, एज वेल जो आप वहां पे लेटर्स लिखोगे पासवर्ड के लिए उसमें मिनिमम एक लेटर जो हो वो कैपिटल में लिखा गया हो, ऐसा पासवर्ड बनाना है. जैसे देखो मैंने बी कैपिटल कर दिया, आगे बंसल में बाकी स्मॉल कर दिया है, एट द रेट मैंने साइन यूज कर लिया, 1 2 3 मैंने डिजिट्स यूज कर लिए. तो ऐसे आप कोई भी मतलब पासवर्ड अपना क्रिएट कर सकते हो. इट्स जस्ट एन एग्जांपल जिसमें ये चीजों का, तीन चीजों का ध्यान रखना है. ये तभी पासवर्ड को वहां पे कंफर्म करेगा. उसके बाद ये जो सिक्योरिटी की जो भी दी गई है जिस तरीके से कैपिटल स्मॉल लेटर्स में फिल कीजिए, देन आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन और रजिस्टर कीजिए. ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे आपने जो मेल आईडी और अपना फोन नंबर दिया था, मेल आईडी पे एक लिंक आएगा और फोन नंबर पे OTP आएगा. इस पे यस पे क्लिक किया आपने. जैसे ही आपने यस पे क्लिक किया आपके पास आ गया रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और इस मेल पे अब यहाँ पे आ चुका होगा एक लिंक. तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपनी मेल पे जाना है और चेक करना है कि कहाँ पे वो मेल आई है. जैसे इस तरीके से मेल दिखेगी यूजर एक्टिवेशन के लिए. तो अब आपके पास यहाँ पे ये जो लिंक आया है, लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे वो OTP मांगेगा. अब वो OTP कहाँ आया है, जो आपके पास फोन नंबर आपने दिया था, वो OTP डालते ही ये आपको इस तरीके से शो करेगा कि यूजर एक्टिवेशन सक्सेसफुल. ठीक, अब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है. जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे अब आपको सेम डिटेल्स वही डालनी है, वही मेल आईडी, वही पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था, और ये कैप्चा डाल के यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करोगे आप डायरेक्ट अपने उस एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ पहुंच जाओगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने डिटेल्स डाल दी जो अकाउंट रजिस्टर किया था जिन डिटेल्स के साथ, और उसके बाद अब हम कर रहे हैं यहाँ पे लॉगिन. अब ये खुल गया है फॉर्म जिसमें देखो क्या क्या चीजें हैं. पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, अपलोड इमेजेस, वर्क एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट्स. आपके पास 6 स्टेप्स रहेंगे. तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले एप्लीकेंट नेम में आपको ये बताना है कि डॉक्टर आपके पास, मिस, मिसेज, इंजीनियर, जो भी आपकी यहाँ पे है वो फिल की जाएगी. ठीक है, आफ्टर दैट अभी मैं सिर्फ ऐसे नॉर्मली दिखा रही हूँ कि क्या क्या रहेगा, लेकिन ये फॉर्म्स मतलब ये सारे आपके पास जो स्टेप्स इन्होंने स्टार की तरह मार्क किए हैं, अगर आप ये फिल नहीं करोगे तो सबमिट करने पे भी ये नेक्स्ट आपको स्टेप में लेके नहीं जाएगा. जिसका क्या मतलब है कि आपको ये फिल करने ही पड़ेंगे. तो लाइक अभी मैं जस्ट एन एग्जांपल कुछ भी यहाँ पे फिल करूंगी, देखते जाइए आप कैसे हो रहा है. ये आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स फिल करनी है. ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास
फर्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इन्फॉर्मेशंस के साथ, जिसमें आपको एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, अपना नाम एंड सारी जो भी डिटेल्स है जो आपके सर्टिफिकेट्स में है, डॉक्यूमेंट्स में है। तो अभी हम यहाँ पे ये डिटेल्स जैसे एग्जांपल के लिए फिल कर रहे हैं कुछ भी डेट्स। वैसे ये डेट इस तरीके से नहीं डलेगी, प्लीज ध्यान दें। यहाँ पे आपके पास ये ऑब्लिक में, वैसे इन्होंने खुद ही कन्वर्ट कर दिया उसको ऑब्लिक में, मतलब जैसे डीडी ऑब्लिक एमएम इस तरीके से मेल फीमेल है, टिक करना है। फादर्स नेम मदर्स नेम और मिस मिसेस जो भी है वो लिखना है। मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है अनमैरिड है। आइडेंटिफिकेशन मार्क जरूर बताना है जो भी आपके पास है, ठीक है, 5 to 500 कैरेक्टर्स के बीच में। जैसे आपको यहाँ कुछ भी एग्जाम्पल, ये ब्लैक मोल लिखा गया था, मिस्टेक है थोड़ी सी। तो ऐसे कुछ भी जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो आप बता सकते हो। यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप एच डोमिसाइल ऑफ एचपी हो या नहीं, बोनाफाइड ऑफ एचपी हो या नहीं, ठीक है। अगर नहीं हो तो नन ऑफ द अबव पे करना, अगर हो तो उस पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपके पास यहाँ पे ये सारी जो भी दी गई थी, कैटेगरी, नेशनैलिटी, रिलीजन, माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो नहीं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड हो या नहीं, ये सब करने पे जैसे सबमिट करोगे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जा चुकी होगी। अब सेकेंड स्टेप आपके पास यहाँ पे जो आएगा वो सेकेंड स्टेप यहाँ पे रहेगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। तो नंबर और मेल आई डी तो हमने पहले दे दी थी, अब हम फिल करेंगे यहाँ पे एड्रेस। तो आप करेस्पॉन्डेंस एड्रेस को ही सेम वो रख सकते हो जो आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना एड्रेस फिल किया। अगर किसी स्टेप में कहीं पे फिर भी डाउट रहे, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैंने कोशिश की है कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊं जिससे आपको इजीली पता चल जाए कि आपने किस तरीके से ये फॉर्म फिल करना है। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद अब बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखो इसमें भी सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे जैसे आप ऐड न्यू क्वालिफिकेशन करोगे, सबसे पहले ना आपको मैट्रिक का फिल करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 10+2 की कोशिश की तो फिर वो मतलब नहीं करने देगा, पहले वहाँ पे शो कर देता है कि पहले आप 10th, फिर प्लस टू, फिर बीएससी, फिर एमएससी, इस तरीके से सीक्वेंस में अपने फॉर्म्स और क्वालिफिकेशन फिल करोगे। ये जो एक्स्ट्रा है ना एड न्यू क्वालिफाइड एग्जाम, ये आपके पास है जो आपने नेट या अपना पीएचडी, डिफरेंट आपके जो क्वालिफिकेशन है नेट का जो चाहिए वो आपके पास यहाँ अलग से फिल होगा, क्वालिफाइड एग्जाम जो बोला गया है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करने हैं। देखो ये आ गया ना इसमें वार्निंग, प्लीज फिल क्वालिफिकेशन लेवल मैट्रिकुलेशन। तो मैट्रिकुलेशन का फर्स्ट आएगा, फिर प्लस टू, फिर बीएससी, फिर एमएससी का, और पीएचडी है तो फिर उसके बाद पीएचडी का, और जो डिफरेंट से क्वालिफाइड एग्जाम का बना हुआ है उसमें नेट का एग्जाम, जो आपका नेट का सर्टिफिकेट है और उसके जो पासिंग ईयर है उसकी डिटेल्स फिल होंगी। ये अभी जस्ट मैं ऐसे ही सिंपल आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे फिल करनी है। जिन पे स्टार मार्क हुआ है रेड कलर में वो तो डेफिनेटली आपको रखनी ही, फिल तो करनी ही पड़ेंगी। ऐसे सेव क्वालिफिकेशन करके 10th का हो गया, फिर से उस पर एड न्यू क्वालिफिकेशन पे क्लिक करोगे, फिर प्लस टू का, फिर अपने पास बीएससी का, फिर एमएससी का, ऐसे आपकी क्वालिफिकेशन सेव होंगी, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा आपको। जो नीचे एडिशनल क्वालिफाइड है इसमें नेट वाली जाएंगी डिटेल्स। उसके बाद देखो मैंने इसके आगे यहाँ पे किया नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि अपलोड इमेजेस करनी है। अपलोड इमेजेस में आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर डालना है, जिसमें फोटोग्राफ की जो डायमेंशंस है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर दिया गया है। बाकी आप क्लिक करोगे तो उसमें आ भी जाएगा। अगर सेंटीमीटर में आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको पिक्सल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपली गूगल पे डालो कि 3.5 सेंटीमीटर इंटू पिक्सल्स, तो वो बता देगा कितने और कितने डायमेंशंस में रखना है, तो उतने पिक्सल्स में एडिट करके अपना फोटोग्राफ रख सकते हो। अगर ऑनलाइन करना है ऑनलाइन कर सकते हो, अगर लैपटॉप कंप्यूटर में पेंट के साथ रिसाइज करना है तो वहां पे भी उस इमेज को किया जा सकता है, ठीक है। आफ्टर इमेजेस अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको उसका सर्टिफिकेट, उसकी डिटेल्स और अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अपलोड करने हैं, 10th बीएससी एमएससी नेट वगैरह के, वो बिल्कुल एंड में आपके पास जाएंगे और फिर आपको वो बता देगा कि आपकी 100% प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कंप्लीट होगी और कुछ टाइम के बाद जब आप लॉग इन करोगे तो वो फिर से अप्लाई का ऑप्शन देगा, आपकी सारी डिटेल्स आपकी प्रोफाइल पे शो करेगा और अप्लाई का ऑप्शन देगा। आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो फिल की थी उनको सेव करके
करके फाइनल सबमिशन करनी है, एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि फाइनल सबमिशन के बाद वो उसको एडिटिंग का ऑप्शन नहीं देगा। तो इस तरीके से आपके पास ये कंप्लीट एप्लीकेशन जो है वो फिल होगी। स्टिल आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा। एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।